well. So hello guys, Avim Vlogs back here. What's up guys, कैसे हो सारे? Hope you all are good. तो अभी हैं साथ में अंकल, कैसे हो? बढ़िया. एंड भाई, मास्क के हाथ बोलना तो बहुत डिफिकल्ट है. तो भाई अभी है डेट आज 20 दिसंबर, टाइम इज 2:51 PM, विच मीन्स आज एक मिस आप सब लोगों को मेरी क्रिसमस. तो भी डाल चुका मैंने वीडियोस में, आई वाज राइडिंग निंजा एच2 में बना था सेंटा क्लॉज एंड मेरे को इसमें आया था बहुत ज्यादा मजा. बट आज को करने का मेरा मन है यूनिक. तो अभी मैं जा रहा हूँ टॉय शॉप पे, आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे मैं क्या करूँगा. एंड वहाँ से थोड़े बहुत टॉयज भी लेंगे और उनका कुछ करने वाले हम, आपको ही बताना. हाँ भाई चलो, चलते किसी टॉय शॉप पे एंड वहाँ से थोड़े बहुत टॉयज खरीदेंगे एंड करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट. सो लेट्स गो. तो भाई हम पहुंच चुके हैं शॉप पे, यहाँ से हम लेंगे टॉयज. तो चले अंकल. हाँ भाई चलते हैं. तो भाई ये है पूरी शॉप जहाँ से मैं अभी लूंगा टॉयज. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स भी हैं, देन रूबिक क्यूब्स भी हैं, देन यहाँ पे डोरेमोन के टॉयज भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं. तो अभी देख रहे हैं कौन सा इसमें से लिया जाए कोई बढ़िया सा. तो चलो, तो ये सारे लिए हैं टॉयज, बबल्स हैं, देन ये POP ये वीडियो गेम है, बॉल्स दिए हैं जेली की बॉल्स, देन यहाँ पे दो RC कार्स हैं, यहाँ पे बेब्लेड्स हैं, देन यहाँ पे बुलडोजर वाला टॉय है, देन यहाँ पे गन है, देन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, सॉफ्टी हैं. तो ये सारे हमने लिए हैं, ठीक है ना अंकल? बहुत अच्छा. तो चलो पहले बिलिंग करवाता हूँ, फिर अब चलते हैं अंकल और बताते हैं क्या करने वाले हैं हम. तो सारा मैंने ले लिया है सामान एंड ये सारा देखो ये पड़ा, अभी इसकी हो रही है पैकिंग. टोटल मैंने लिए हैं 100 टॉयज एंड जितने भी हैं टॉयज लगभग थे मैंने ले लिया हर एक शॉप से. तो अब चलते हैं शॉप के बाहर. चले? हाँ भाई चलते हैं. चलो एंड करते हैं अच्छे से सेलिब्रेट क्रिसमस को. सो चलो, तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर. सारे पड़े हैं टॉयज पीछे. टोटल मैंने लिए हैं 100 टॉयज और मैंने ये अपने लिए नहीं लिए एंड मैंने सब लिए ही करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट. एंड भाई यही असली मजा है कि सबके साथ मैं मिल्क बांट के खुशी मनाऊं, ठीक है ना अंकल जी? हाँ भैया, सबके साथ मिलके खुशी मनाएंगे तो वही खुशी होती है. चलो जी करते हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट. एंड अब जो मैंने GoPro देखो यहाँ पे कर दिया माउंट अपना, ताकि आपको मिले परफेक्ट एक एंगल, क्योंकि मैं यहाँ से करूंगा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि अंकल गाड़ी से उतर नहीं सकता. नहीं भाई, क्योंकि ये दिक्कत है, क्योंकि कोरोना चल रहा है इस चक्कर में, नहीं तो बिल्कुल गाड़ी से मैं उतरता. तो चलो चलते हैं एंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूट. सो लेट्स गो. तो वी आर स्टार्टिंग विद द बबल्स. 24 बबल्स है मेरे पास में, तो इनको पहले करते हैं डिस्ट्रीब्यूट. तो अंकल ये देखो यहाँ पे रोल दो साइड में. एक्सक्यूज मी, ये लीजिए, ठीक है. चलो, तो ये ना सारे बबल्स हैं एक्चुअली, इनके मैंने बचपन में बहुत खेला है. द मेन थिंग जब इनकी हो जाती है ना, ये पूरा पानी बबल वाला खत्म ही दोबारा बनता नहीं था मेरे से कभी भी. लाइक एटलीस्ट मेरे से तो कभी नहीं बनता था. मैंने शैम्पू वगैरह बहुत बनाया लेकिन कभी ऐसे बबल जैसे कि होते हैं वैसे कभी नहीं बनते थे. ये लो भाई, लो ना, ठीक है, उनको भी दे देना, ठीक है. सो दो, वेलकम भाई. तो यार एक्चुअली हमेशा यही होता है कि अगर किसी को दो मिल जाए ना तो वो लेके भाग जाता है उस वाले दूसरे बच्चे के भी. हमेशा ऐसे ही होता था. भाई भाई तो सारे हो गए, अभी बबल्स खत्म है, बारी है सॉफ्टीज की और गन्स की. तो अब इनको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट. ये गन देखो ऐसी है, मेरी सॉफ्टीज है. देखो अंकल बहुत मुश्किल है डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि लोग बच्चे ही ना भागते हैं लेने के लिए. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट यार वैसे लिटरली, ठीक है अंकल. ये तो एक बच्चा है भाई, लो भाई ये भी है. चलो, तो मेन थिंग जो बच्चे ले चुके हैं ना वो दोबारा तो आ रहे हैं. एंड जो बुलडोजर थे वो सारे अभी कर दिए डिस्ट्रीब्यूट और यहाँ पे बॉल्स बची हैं जेली बॉल्स जो कि और में हो चुकी है डिस्ट्रीब्यूट. तो भाई देखो अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स हैं और बेब्लेड्स हैं, तो अब इनको भी कर रहे हैं. साथ साथ जो बॉल्स हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, बट पहले यहाँ पे बेब्लेड और ट्रांसफॉर्मर को कर लेते हैं. तो मैं आ गया हूँ अभी ड्राइविंग सीट पे, अब करेंगे अंकल डिस्ट्रीब्यूट और आप देखो GoPro के शॉट्स. तो अंकल मैंने GoPro ऑन कर दिया, ठीक है, आप पूरे GoPro पे आ रहे हो. और अभी लगभग बॉल्स हो चुकी हैं, हरे ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट, बबल्स हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रांसफॉर्मर्स भी हो गए डिस्ट्रीब्यूट, गन्स भी हो गई और सॉफ्टी भी हो गई. अभी RC कार बची है, बेब्लेड बचे हैं और थोड़े मोटे और टॉयज बचे हैं, तो इनको भी चलो बांटते हैं. चलो ये बच्चे को दो, बच्चे को, ये बच्चे को दो. लेकिन भाई डिस्ट्रीब्यूट करने में मजा आ रहा है. मैंने कहा था अंकल, सबके साथ बनाने में बस अलग ही बात है. और अब बची हैं ये आखिरी दो कार्स. ये एक तरह से बुगाटी शिरोन है,
और ये भी बुगाटी शिरोनी है, तो इस पे दोनों बनी हुई हैं, शिरोन और ला फरारी, और ये दोनों मैंने एक वीडियो में कवर कर रखी हैं दुबई के अंदर, दोनों कार्स एक फ्रेम पे वो भी। तो अब ये दो कार्स ही बची हैं पूरी गाड़ी में, इनको भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ये कार से कार तो भाई सारे हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट, एंड अंकल जो है वो जा रहे हैं अभी, क्योंकि उनको एक पापा ने काम दिया है, तो पापा का जब वो काम है वो कर देंगे, एंड मैं यहाँ से अब जाऊँगा क्योंकि भाई मेरे को पीनी है कॉफ़ी, यहाँ से मैं जाऊँगा अभी स्टारबक्स। कैसा लगा आपको बांट के? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। चलो चलते हैं, और अभी ये होता है मतलब मेन क्रिसमस सेलिब्रेशन, एंड मज़ा सही आ गया इसको। पर थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई कि भाई हम थोड़ी सी मेंटेन नहीं कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग, तो मैंने अंकल को बोला कि काम करो आप, करो डिस्ट्रीब्यूट, मैं आता हूँ ड्राइविंग सीट पे, बट ऑल्दो मज़ा आया। तो चलो चलते हैं। तो भाई मेरे आगे चल रही है अभी बनती है, एंड देखो सब लोग देख रहे हैं रिएक्शंस मेरे। ऑल्सो गाइज अभी जस्ट मैं गया था एक इवेंट में, एंड मेरे को उन्होंने इन्वाइट किया था अपनी इवेंट में, तो एक बार आप जरा देखो उसकी पहले क्लिप। तो गाइज वेल थैंक्स टू अजय भैया, मेरे को अभी इन्वाइट करा है, यहाँ पे एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो रहा है क्रिसमस वाले दिन, तो मेरे को इन्होंने करा इन्वाइट, थैंक यू सो मच, एंड मेरे को इन्होंने चीफ गेस्ट इन्वाइट करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओगे एक बार आप? आज हमारी संस्था द्वारा और हमारे चीफ गेस्ट बुलाए गए हैं भाई साहब, और हमारी संस्था द्वारा सम्राट अशोक कल्चरल सोसाइटी द्वारा 1000 बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराया जा रहा है, ओके, और जिसके अंदर हमने अलग अलग कोरोना को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बैच के अंदर बच्चों को बुलाया है, ओके। तो मतलब यहाँ पे देखो सब लोगों ने पहले तो मास्क पहन रखा है, एंड सब लोग अभी यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, एंड दे आर एंजॉइंग अ लॉट, एंड यार मेरे को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही लगा करके, एंड यहाँ पे सब सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। कैसे हो भाई? बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच। तो भैया को सब यहाँ पे अभी ड्राइंग कर रहे हैं, एंड अभी मैं करूँगा यहाँ पे चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट, सो ये देखो। तो यार मैं अभी पैसिफिक मॉल आया हूँ, एंड देखो एक बार ज़रा ये एंट्रेंस की भीड़ देख लो, और अभी मेरे को पार्किंग लगाने में बहुत देर लग रही है, मतलब इतना जाम लग रखा है ना आज तो पार्किंग के अंदर ही है, देखो यहीं पे अटका पड़ा हूँ, और एंट्रेंस के वक्त मेरे को लगे कम से कम आधा घंटा पहुँचने में, क्योंकि मेरे को याद है कि लास्ट टाइम भी मैं क्रिसमस पे पैसिफिक मॉल ही आया था, उसके बाद मैं मलेशिया गया था एंड न्यू ईयर पे, और दो दिन बाद मेरी भी फ्लाइट है, मैं भी जा रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो उसके जरा स्टे ट्यून्ड। आज है 25, कल है 26, अभी वाला ब्लॉग कल देखोगे, क्योंकि नॉर्मली मैं अपने जो ब्लॉग्स हैं होते थे ना बता के मतलब लाइक बना के रख लेता हूँ, उसके बाद आई कीप पोस्टिंग देम ऑन ऑल्टरनेटिव डेज मोस्टली, बट आप लोग मेरे को बोलो कि मैं शुरू करूँ डेली ब्लॉगिंग, तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे को चाहिए टाइम, बट श्योरली डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट की करी जाए। तो भाई अभी आ चुका हूँ पैसिफिक मॉल, एंड यार यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है ना मॉल के अंदर, तो अभी मैंने जस्ट अपनी कॉफ़ी ली है, एंड मैंने लिया आज आइस कैफे चीनो, तो फिर मैं आ गया नाइकी स्टोर के अंदर, एंड यहाँ पे थोड़े बहुत नए शूज़ आए जो कि आए हैं AJ1 लोज, तो एक बार देखो एक ये ब्लू आया है, देन एक आए कलरफुल, मेरे को बहुत सारे ये अच्छे लगे, एंड अभी मैं पहन कर आया अपने AJ1 हाई, एंड पिंक वाले भी आए ना भैया दिखाना एक बार, ये पिंक वाले हैं, ये भी ठीक है। तो भाई मैंने ले लिए वाले पिंक वाले शूज़, मेरे को लगे थोड़े से यूनिक, तो इसलिए आई बॉट दीज, मेरे को बताओ कमेंट कैसे लग रहे हैं वाले शूज़, तो चलो चलते हैं बिलिंग करवाते हैं। गाइस जस्ट हैव अ लुक, कितनी भीड़ है यार आज, आई थिंक ये कोरोना के टाइम में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इतनी भीड़ चल रही है, वो भी एक मॉल के अंदर, देखो भाई ज़रा आई एम लिटरली शॉक्ड टू सी दिस, एंड यहाँ पे मैंने पहन लिए हैं भाई स्टोर के बाहर आज पिंक वाले AJ1 लोज, तो भाई वैसा ही लग रहा है। सो फाइनली आई मेड इट, एंड मैं अपनी कार में आ चुका हूँ, बड़ी मुश्किल मेरे को लगी यार आने में, क्योंकि यार इतना कंजस्टेड हो रखा है मॉल, और सब लोग मॉल में शाउट कर रहे हैं लिटरली, भाई मास्क मत पहनो, जरूरत ही नहीं, किसी ने नहीं पहन रखा यार, भाई पहली बात सेफ्टी आप लोगों की है मास्क से, किसी और सामने वाले बंदे की सेफ्टी नहीं है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा प्लीज़ यार अगर आप कहीं भी जा रहे हो पब्लिक प्लेस पे, अगर आप अपनी गाड़ी से उतरते भी हो तो प्लीज़ मास्क वेयर करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई कौन इन्फेक्टेड है कि नहीं, तो भाई मेरा काम बस आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना था कि भाई अभी कोशिश करके ना 25th चलो चली गई, 31st December को तो यार मॉल वगैरह में कोशिश करके ट्रैवल मत करना हो, कि भाई आज तो क्रिसमस है तब इतनी भीड़ है, जब न्यू ईयर ईव होगी तो यार मतलब सोचो कितनी भीड़ होगी इस मॉल के अंदर, लाइक पूरा जैम पैक हो जाएगा, जो पार्किंग है ना उसमें आपको गाड़ी लगाने में आधा घंटा लग गया, मैं तो बस शूज़ लेने के लिए आया था, कि मेरे को स्पेशली आज कॉल आया था नाइकी वालों से जो पैसिफिक मॉल स्टोर है, कि भाई एक शूज़ आए हैं मेरे पास में AJ1 लोज आए हैं, और वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएंगे, तो आप उनको जल्दी से ग्रैब कर लो, तो इसलिए मैं आ गया, बट यार मेरे को लगा कि मैंने आकर के बहुत बड़ी गलती करी है, तो आप लोगों की प्लीज़ यार ये वाली गलती मत करना, वैसे भी परसों मेरी फ्लाइट है, और यार होपफुली टचवुड कुछ ना हुआ हो, कल मेरा कोविड टेस्ट होना है, एंड रिपोर्ट्स नेगेटिव आए
वो बढ़िया होगा। तो चलो चलते हैं ऐसे घर एंड देखता हूँ क्या होता है अम्मा का रिएक्शन वाले शूज़ देख करके जो है पिंक कलर के। इनका जो प्राइस है वो भी मेरे को लगा बहुत ज़्यादा नॉमिनल, क्योंकि प्राइस है वो है 9,000 रुपीज़। नहीं तो जो नॉर्मली जो शूज़ होते हैं जॉर्डन के लाइक ए जॉर्डन वन हाई वो लगभग होते हैं 14-15 हज़ार रुपये के, बट ये 9,000 रुपये में आई थिंक की वर्थ है, क्योंकि इनका जो कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा सही है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से एंड चलते हैं आगे। तो गाइस देखो ये हैं वो शूज़, मम्मा देखो मैं ये लाया हूँ पिंक कलर इस बार। ठीक है ठीक है, से लग रही है थोड़े से डिफरेंट है, पिंक कलर मेरे पास था नहीं। हाँ, तो इस पे एक बार लगाता हूँ, तो ऐसे भी लेकर आया रिपेलेंट, जिससे जो शू है ना उसके बिल्कुल भी स्टेन्स नहीं आएंगे। तो उसको मारना पड़ता है दो बार, एक में हमारे को अपनाना पड़ेगा 10 मिनट बाद, फिर आई हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स, उसके बाद जो शूज है वो हो जाएंगे बिल्कुल रेडी टू यूज। इससे क्या होगा जो व्हाइट व्हाइट पूरा ये शू है ना यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेन्स वगैरह नहीं रुकेंगे पानी वगैरह के। तो इतना मार रहा हूँ मैं रिपेलेंट शूज के ऊपर। तो चलो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। देन भाई सब्सक्राइब कर देना, वाइक नॉस क्लिक कर देना मेरे को, एंड मैंने कर रहा हूँ परसों इंटरनेशनल ट्रिप पे, उसके जरूर स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम आइडिया वो दिखेगी स्क्रीन के ऊपर। अंटिल देन स्टे सेफ, बाय। ले बेटा 5:30 हो गए, पकड़ ले खेल, एंजॉय कर यार।